राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कई बार शिकायतों के बावजूद भी नहीं किया गया विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण। विद्यालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। छात्राओं के शौचालय से शौचालय का गेट मिला गायब। साफ सफाई निरीक्षण कार में अव्यवस्था, कक्षा में जलभराव, अध्ययन कार में जरूरी उपकरणों की कमी, दूषित पानी को लेकर छात्र छात्राओं में दिखी नाराजगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र छात्राओं को समझा बुझा कर कराया शांत। विद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं की समस्या का जल्द निस्तारण करने का दिया आश्वासन। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय का है ये पूरा मामला। देखिए कानपुर संवाददाता तेज सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। सर ये बताइए जो आज बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है इसके मूल बात क्या कर रहे थे? मुख्य उद्देश्य तो इनका ये तो जो मुझे समस्या बताई है आज से पहले नहीं बताई। घास पड़ी हुई है, पानी बरस रहा है महीने भर से, तो घास तो जमीन कटवाओ जब पानी बंद हो जाएगा। पानी भरा हुआ है, कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं है इस समय। जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत आपसे कुछ काफ़ी दिनों पहले भी की गई हुई थी। नहीं, घास की नहीं की, घास की नहीं की गई है सर। घास की नहीं की, घास वालों ने 50,000 रुपये का ठेका मांगा, 50,000 रुपये मजदूर वो बोल रहे थे। यहाँ पर हमको सुंदर भैया ने बताया था 50,000 रुपये मांग रहे पूरे घास का, तो प्रिंसिपल साहब मना कर रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि गाँव से चंदनपुर